رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حمد آقا پہ دل झुका लेते हैं हम दरे आका पे दिल अपना झुका लेते हैं। अरे सच बताना तुमसे घर जाए तो तुमसे घर जाए तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं हम दरे मौला पे दिल अपना झुका गुंबदे खजरा खुदा गुंबदे गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। सच बताना रे दुनिया तेरा क्या लेते हैं अंदर आपा पे दिल अपना गुम्बदे खजरा खुदा तुझे सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा देते हैं। सुभान अल्लाह कह दें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम आप फरमाते हैं बड़े ही नाजुक हैं बड़े ही लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह बड़े ही लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्मे दर में रहते हैं। बड़े ही लतीफ हैं नाजुक से घर में रहते हैं मेरे हुजूर मेरी चश्मे दर में रहते हैं। और मकाम उनका ना फर्श जमीन ना अर्शे बरी। सुभान अल्लाह कह देगा समझ आ रहा। मकाम उनका ना फर्शे जमीन
ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। मकाम उनका ना फर्शे जमीन ना अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और आगे आप फरमाते हैं कि यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे। जिनको उर्दू समझ आती है वो तो बोलो। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, इशारा करते हुए निकल जाता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु यकीन वाले थे ना। सुभान अल्लाह। मेराज का महीना है ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब मैं मेराज में गया, अर्श से भी आगे गया, सिद्दीक अकबर की आवाज में रब मुझे बुला रहा है, उदनो मिन्नी महबूब और करीब आ जा। और सैयदना बिलाल के लिए हुज़ूर फरमाते हैं जब मैं जन्नत में गया तो मैंने मेरे बिलाल की आहट को जन्नत में मेरे आगे आगे मैंने देखा। यकीन वाले, ये यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे। सुभान अल्लाह। यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे, जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे दर में रहते हैं। अब मैं हिंदुस्तान से हमारे तशरीफ लाए हुए मेहमान ग्रामी जनाब मोहतरम हजरत के साथ जो तशरीफ लाए हैं, इफ्तखार साहिब अर-रिफाई, आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और बारगाह रिसालत कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम में मद असराई और मनकबत के अशआर पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله محمد مصطفى محمد مصطفى کی آل امت اب بھی باقی ہے محمد مصطفی کی آل امت اب بھی باقی ہے نبی کی تو جہاں میں شان شوکت اب بھی باقی ہے نبی کی دو جہاں میں شان و شوکت اب بھی باقی ہے کیا نازل خدا مقدس کو نبی زندہ ہے زندہ یہ حقیقت اب بھی باقی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا قلم اٹھاؤ تو قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے قلم اٹھاؤ تو مصرع نبی نبی بولے بولے پڑھوں تو نعت تم اجمع نبی نبی بولے دعائے کر دے جو
नबी नबी बोले सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नात पाक पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा। इश्के नबी के हमने, इश्के नबी के हमने बहाने बना लिए, इश्के नबी के हमने बहाने बना लिए, शहर नबी में अपने, शहर नबी में अपने ठिकाने बना लिए, शहर नबी में अपने ठिकाने बना लिए, इश्के नबी के हमने। उठ सही समाज फरमा। हम पर रसूल पाक का जमाने बना दिए, जिनके तुफैल हमने जमाने बना लिए, इश्के नबी के हमने। और खुशूसन ये शेर समाज फरमाए। दीदार मुस्तफा की तमन्ना थी असल में, दीदार मुस्तफा की तमन्ना थी असल में, दीदार मुस्तफा की तमन्ना थी असल में, मेराज के खुदा बहाने बना लिए, मेराज के खुदा ने बहाने बना लिए, शहर नबी के हमने। रब ने रसूल पाक से मेराज में जो की, रब ने रसूल पाक से मेराज में जो की, उस गुफ्तगु के हमने, उस गुफ्तगु के हमने फसाने बना लिए, उस गुफ्तगु के हमने फसाने बना लिए। समाज फरमान, हजरत ने लिखा हुआ है, मजहर को कुछ गरज न रही इस जहान से, मजहर को कुछ गरज न रही इस जहान से, उसने दरे नबी पे, उसने दरे नबी पे ठिकाने बना लिए, उसने दरे नबी पे ठिकाने बना लिए, इश्के नबी के हमने बहाने बना लिए, शहर नबी में अपने
ठिकाने बना लिए। सैयद अहमद रफ कबीर रिफाई की शान में मनकबत पेश कर रहा हूं, चंद शेर समाप्त फरमा। गलियों में अबीदा की सजी है, गलियों में अबीदा की सजी है, फलक पर रोशनी ही रोशनी है। उजाले ही उजाले हर तरफ है, उजाले ही उजाले हर तरफ है, रिफाई शम्मा क्या रोशन जली है, फाई शम्मा क्या रोशन हुई है। सितारों से फरिश्तों ने सजाई, सितारों से बेशक मेरे मुर्शिद की गली है, वो बेशक मेरे मुर्शिद की गली है, वही है कबीरुल औलिया आले नबी है, कबीरुल औलिया आले नबी है, वो रुतबा आपको रब ने दिया है, वो रुतबा आपको रब ने दिया है, नबी से दस्त बोसी हो रही है, नबी से दस्त बोसी हो रही है। और मख्ता समाज फरमाए, करम पाया है उसने फख्र दी का, करम पाया है उसने फख्र दी का, ये मजहर भी मुकद्दर का धनी है, मजहर भी मुकद्दर का धनी है। गलियों में अबीदा की सजी है, फलक पर रोशनी ही रोशनी है। बारगाह रिसालत कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम में अदिय नाटकीय अशआर और बारगाह कबीरुल औलिया हजरत अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में मनकबत के अशआर पेश फरमा रहे थे। मोहतरम जनाब इफ्तिखार साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद सोज़ो गदाज़ अता फरमाए। मोहब्बत से आवाज़ बुलंद दुरूद सलाम पढ़ दीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कुदसी खड़े कुदसी खड़े हैरान होकर किस दरा से आगे बशर जा रहा है कुदसी खड़े हैं कुदसी खड़े हैरान होकर किसी तरह से आगे बशर जा रहा है किसी तरह से आगे बशर जा रहा है किसी तरह से बशर जा रहा है वो बंधन के अपने खालिक से मिलने वो बंधन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श वो होता जबर जा रहा है कुदसी खड़े हैरान होकर कुदसी में फरिश्ते एंजल वो वेलकम करिए खड़े जो रहा आराम थे जहां हमारा सरदार जिब्रील भी रुक गया वहां से ये बशर आगे गुजर गया। शायर कहता है कि वो जाता है देखो बेखौफ कैसे कि सब जानता हो राहे वो जैसे वो जाता है देखो बेखौफ कैसे कि सब जानता हो राहे वो जैसे कि सब जानता हो राहे वो जैसे वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई वल्ला वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई घरवाला अपने ही घर जा रहा जा रहा है जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा रहा है खुद से खड़े हैं किस्सा हलीमा के आंगन का देखो अरे जवानी तो है ही वो
वो बचपन भी देखो, वो किस्सा हलीमा मुस्तफा ने उठाई है उंगली, अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, कमर से ये पूछो किधर जा रहा है, अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, कमर से ये पूछो किधर जा रहा है, खुद से खड़े शाकिर कहां उनकी बातें, कहां अपनी जातें, कहां उनकी नातें, कहां तू है शाकिर खड़े हैरान होकर, किस तरह से आगे बशर जा रहा है, वो बंधन के अपने खालिक से मिलने, सरे अर्श वो वर जा रहा है, खुद से खड़े हैरान होकर। अल्हम्दुलिल्लाह, we commence this program with the recitation of Holy Quran, Zikrullah, Naat o Manqabat, and now inshallah Razeem बिफोर सलातो सलाम, मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा रौनक के महाफिल अहले सुन्नत इस इलाके की मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नौशाद खान साहिब मिसबाही, जो रिफाई सिलसिला के खलीफा भी हैं हज़रत के, तो खलीफा रिफाई हज़रत मौलाना
नौशादा खान साहब मिसबाही जी आपसे अदब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएँ और बारगाह कबीर रौलिया सैयद अहमद कबीर रिफायत अल्लाह ताला अनहो में मनकबत के अशआर पेश फरमाएं। बावाज़ बुलंद रुदे पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र रफ़ाए की महफिल में बड़ी अच्छी खूबसूरत दिल को छू लेने वाली नादे पाक हम और आप सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इस नाद की बस्ती हमारे दिलों के ऊपर अता फरमाए और मुझे हजरत का हुक्म है कि हजरत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाए रहमतुल्लाह अलैह की शान में मनकबत और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की शान में एक कलाम पेश करूँगा, समाअत फरमाइए। तो पहले सैयदना अहमद कबीर रफ़ाए रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मनकबत समाअत फरमाइए। दुनिया में बहुत से पीर मुर्शिद थे हैं और होंगे लेकिन हजरत सैयदना अहमद कबीर रफ़ाए रहमतुल्लाह अलैह की शान ही कुछ अलग है। ये उन पीरों में उन अल्लाह के वलियों में जिन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया है, दस्तबोसी किया है, हाथ मिलाया है, तो इसको निगाहों के सामने रखकर के शेर समाप्त कीजिए। कबीर अहमद रफ़ाई पीरो मुर्शिद हो तो ऐसा हो, कबीर अहमद रफ़ाई पीरो मुर्शिद हो तो ऐसा हो। कबीर अहमद रफ़ाई पीरो मुर्शिद हो तो ऐसा हो, तेरी निस्बत पे जीते हैं गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरी निस्बत पे जीते हैं गुजारा हो तो ऐसा हो। है तेरे उर्स में हाजिर नजर के सामने तू है तेरे उर्स में हाजिर नजर के सामने तू है, रहे तू रूबरू मुर्शिद नजारा हो तो ऐसा हो, रहे तू रूबरू मुर्शिद नजारा हो तो ऐसा हो। कबीर अहमद रफ़ाई पीरो मुर्शिद हो तो ऐसा हो। और ज़माने ने नहीं देखा रफ़ाई पीर के जैसा, ज़माने ने नहीं देखा रफ़ाई पीर के जैसा, हमें ये नाज है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो, हमें ये नाज है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो, रहे तू रूबरू मुर्शिद नजारा हो तो ऐसा हो। कमालुद्दीन रफ़ाई आल है तेरी कर
करम कर दो हमेशा चमके किस्मत का सितारा हो तो ऐसा हो हमेशा चमके किस्मत का सितारा हो तो ऐसा हो हमेशा। और मुरीदों पर नजर उठी हजारों किस्मतें बदली मुरीदों पर नजर उठी हजारों किस्मतें बदली इशारा इसको कहते हैं इशारा हो तो ऐसा हो इशारा इसको कहते हैं इशारा हो तो ऐसा हो। और शेर जल समाप्त फरमाए करप कर दो कमालुद्दीन पर और खुद ही तुम कह दो करम कर दो कमालुद्दीन पर और खुद ही तुम कह दो हमारा ऐसा होता है हमारा हो तो ऐसा हो हमारा ऐसा होता है हमारा हो तो ऐसा हो। और आखिरी शेर जो इस पूरे कलाम की सबसे मेरे ख्याल से मग्ज कलाम है मग्ज शेर किया जब दस्त बोसी तो फरिश्ते झूम कर बोले किया जब दस्त बोसी तो फरिश्ते झूम कर बोले मोहब्बत इसको कहते हैं मुसाफा हो तो ऐसा हो मोहब्बत इसको कहते हैं मुसाफा हो तो ऐसा हो तेरी निस्बत पे जीते हैं गुजारा हो तो ऐसा हो। और अब तक आप नाते पाक सुनते रहे मनकबत सुना आपने और हजरत की शान में एक हकीकत के बिल्कुल ऐन कुछ कलाम पेश कर रहा हूं दो चार शेर उसको समाप्त फरमा लीजिए। ये हमारी खुशनसीबी है आप लकी हैं कि आज आप हजरत सैयद कमालुद्दीन रफाई रहमतुल्लाह दारमत बरकातुल आलिया को करीब से देख रहे हैं। मैंने बड़ौदा में इनको देखा है कितने करीब से जैसे आप देख रहे हैं ना ऐसे न मिल सकते हैं न देख सकते हैं घंटों लाइन लगानी पड़ती है इनसे मुलाकात करने के लिए ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उस खानवादे का फैज जो हजरत के ऊपर अता फरमाया है उसको देख के दिल से दुआ निकलती है। तो जो चीज मैंने देखा उसको पेश कर रहा हूं समाप्त कीजिए। ये कैसा रोशन रोशन है दरबारे कमालुद्दीन बाबा ये कैसा रोशन रोशन है दरबारे कमालुद्दीन बाबा है चांद सितारों के जैसा है चांद सितारों के जैसा अनवारे कमालुद्दीन बाबा है
के जैसा अनवारे कमालुद्दीन बाबा, सीरत उनकी क्या सीरत है, सूरत उनकी क्या सूरत है, जब देखे शर्माए चांद भी जब देखे रुखसारे कमालुद्दीन बाबा, शर्माए चांद भी जब देखे रुखसारे कमालुद्दीन बाबा, हर शाखे रफाई शजरा की सरसब्ज रहे शादाब रहे, हर शाख रफाई शजरा की सरसब्ज रहे शादाब रहे, हश्र जमाने में महके ता हश्र जमाने में महके गुलजारे कमालुद्दीन बाबा, ता हश्र जमाने में महके गुलजारे कमालुद्दीन बाबा। नौशाद है उन पर दिल ये फिदा, ये जिस्म फिदा ये जान भी फिदा, नौशाद है उन पर दिल ये फिदा, ये जिस्म फिदा ये जान भी फिदा, हम सब के दिल के अरमा हैं सरकार कमालुद्दीन बाबा, हम सब के दिल के अरमा हैं सरकार कमालुद्दीन बाबा, शर्माए चांद भी जब देखे रुखसारे कमालुद्दीन बाबा। माशाल्लाह मनकबत के अशआर पेश फरमा रहे थे हजरत मौलाना औशाद आलम मोहम्मद साहब नस्ताही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला उसूल ईमान और ईमान में पुख्तगी का सबब बनाए। जुमोर इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम अल बी एफ टी पाक प्राइमरी स्कूल आफ्टर